Namo Hitragai. Namo Hitragai. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayahiyanam. Namo Ayahiyanam. Namo Vatsayanam. Namo Vatsayanam. Namo Lohe Sabba Sahunam. Namo Lohe Sabba Sahunam. Aiso pancha namukaro. Aiso pancha namukaro. Sabva pabhapanasano. Sabva pabhapanasano. Mangala nancha sabvesim. Mangala nancha sabvesim. Padamam havai mangalam. Padamam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Pratyaksh Dada Bhagwan ki sakshi mein. Pratyaksh Dada Bhagwan ki sakshi mein. Vartamane Mahavidya Kshetra mein vidyaman. Vartamane Mahavidya Kshetra mein vidyaman. Tirthankar Bhagwan Sri Simandar Swami ko. Tirthankar Bhagwan Sri Simandar Swami ko. अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। तैतीस कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मित्रा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगमल, जगत भर के सत पुरुषों का योगमल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगमल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने के हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। हम अपने बाह्य जीवन को जो जीवन समझते हैं वो जीवन नहीं है। बाह्य जीवन वो श्वासोश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और हर समय उसका मृत्यु हो रहा है, तो इसको जीवन नहीं कहते। ये मर ही रहा है और उसमें हमारी चॉइस भी नहीं है। जागे या सोए हम हर समय मर ही रहे हैं, तो जो मर रहा है वो हिस्सा हमारा लाइफ नहीं है। लाइफ किसको बोलते हैं? जहाँ हम जीवित हैं, जागृत हैं, जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, वो भाग में हम जीवित हैं, ये भाग में हम कुछ कर सकते नहीं। तो इसीलिए ये भाग तो अपने आप मर ही रहा है और ये भाग के अंदर
हमारे पास कोई स्वतंत्रता फ्रीडम है नहीं, कोई प्रकार की नहीं, न सोचने की, न बोलने की, न क्रिया करने की, कोई स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। तो बाहर के जीवन को ज्ञानी पुरुष ज्ञान जीवन नहीं कहते हैं, अंदर का जीवन है कि जागृति है, उपयोग है, पुरुषार्थ है, भाव है, जहाँ हमारी स्वतंत्रता है, जहाँ हम बीज डाल सकते हैं, जहाँ हम दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, जहाँ हम निश्चय कर सकते हैं, वो भाग में हम जीवित हैं, ये भाग में जीवित नहीं। मगर ये भाग के अंदर, ये हिस्से के अंदर ज़्यादा अटैच होने से फिर राग द्वेष होता है। क्या होता है? क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, मगर जो होता है वो हमारी पसंदगी के मुताबिक नहीं है, इसीलिए राग द्वेष होता है। मगर जिसका जीवन अंदर से जागृत हो गया, क्या हो गया? अंदर से जागृत हो गया, तो उसको बाहर के जीवन से कोई कंसर्न नहीं है, इनको राग द्वेष करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका कंसर्न ही नहीं। तो जागृति जितनी हमारी फोकस अंदर रहेगा, इतना हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, और हमको सही बात समझने का मौका मिलेगा। बाहर जितनी पंच इंद्रियों से दृष्टि लगाओगे, इतना कंफ्यूज होंगे, और बाद में जो संजोग बनते हैं इसको स्वीकार भी नहीं करोगे, फिर भी परिवर्तन नहीं। समझ गया है? तो अंदर का जीवन जो है, जिसको लाइव ईगो कहते हैं, क्या कहते हैं, वहां हमारे पास फ्रीडम है, बाकी कोई हिस्से में फ्रीडम तो लाइव अहंकार होता है, वही भाव करता है, वही निश्चय करता है, वही शक्ति मांगता है, सबका ये रोल सब इसका है, और उसी के माध्यम से नए बीज भी बनते हैं, जिसका फल नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा। ये बर्थ हमारा माता पिता मिलने के साथ ही हमारे पास कोई फ्रीडम है नहीं। कुदरत का कानून कहता है, मैंने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति किसी को दिया नहीं है, बराबर के नहीं? श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति किसी को नहीं। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, इसमें हमारी फ्रीडम कैसे हो सकती है? अगर हमारे मन वचन काया चलाने की फ्रीडम हमारे पास नहीं है, तो और किसी के पास हो सकती है? फिर भी राग द्वेष होता है ना, मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, मेरा है, तेरा है, चलता है। इसी को कहते हैं अज्ञानता। क्या बोलते हैं? अज्ञानता। ये पांच इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, ये ड्रीम है। क्या है वो? वास्तविकता नहीं है, वो ड्रीम है। ड्रीम पिछले अवतार जो आपने भाव किया उसको मुताबिक ये सपना चलता है, और इसमें फ्रीडम नहीं है। सब सुनिश्चित, पैदा होते ही माता पिता सिलेक्ट नहीं करना है, ये करने का होता है, भाई बहन सिलेक्ट करना होता है, रहने का घर मिलता है वो सिलेक्ट करना होता है, पैदा होते धर्म मिलता है वो सिलेक्ट करते हैं, तैयार है। मृत्यु भी सिलेक्शन नहीं करते, जन्म भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, दोनों का सिलेक्शन नहीं है। तो क्या जीवन का सिलेक्शन है?
तो वो भी सिलेक्शन हमारे पास नहीं है। राम की इच्छा है या नहीं, फिर भी वनवास जाना ही पड़ता है। राम की इच्छा नहीं है तो भी सीता जी रावण को उठा के, रावण सीता जी को उठा के ले जाता है। कृष्ण भगवान की इच्छा नहीं है या है तो भी उसका जन्म जेल में होता है। यानी पसंद ही है, बोलते नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन कर्म सत्ता के अधीन है। और कर्म ही प्रधान है। क्या है? कर्म ही। तो हर बातों को सच्ची दृष्टि से समझना पड़ेगा। गोल गोल चलेगा नहीं, अभी तक तो गोल गोल चलता है, मालूम ही नहीं हमको। हम सबको ये भी मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। हम तो मंदिर में जाके भगवान को मानते हैं, वो माँ माथा टेकते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए। 2 मिनट की प्रार्थना, कितनी? इसमें फल चाहिए, क्या चाहिए? और पुजारी कहता है मैं 3 साल से कहता हूँ पगार बढ़ाओ पगार बढ़ाओ, तो बढ़ाते नहीं। मैं 24 घंटा यहाँ रहता हूँ, अभी मालूम नहीं है पुजारी सही है, हम सही है कि भगवान सही है। कहीं तो गलती है ना, जो काम नहीं होता है तो गलती तो है ना, ऐसा होता है कि नहीं? भगवान किसी की सुनता है? माना हुआ भगवान किसी की सुनता है? नहीं सुनता है। जो मंदिर बना है वो किसने बनाया? हम। मूर्ति की स्थापना किसने की है? पूजा कौन करते हैं? अगर मंदिर की मूर्ति खराब हो गई तो बदलेंगे कि कौन? यानी सब कुछ भगवान भी हम बनाते हैं, मंदिर भी हम बनाते हैं, पूजा भी हम करते हैं, और मूर्ति खंडित हो गई तो निकाल भी हम देते हैं। तो हम तो भगवान से बड़े हो गए ना, जन्म से मौत तक हम मैनेजमेंट करते हैं उनका। हम कहते हैं भगवान भी न्याय चलाता है, मंदिर वाला कहता है कि हम ही तो बनाते हैं आपको। तो अभी तक ये गोल गोल चलता है, किसी को रहस्य मालूम नहीं है। तो प्रश्न करना है तो करो कुछ। पहले जमाने में ऐसे शक्तिशाली त्राटक वाले शक्तिशाली लोग थे, तो वो भी शक्ति नहीं आती थी, लोगों की स्थापना से ही शक्ति आती। मगर आज तो क्या परंपरा रही, क्या रही? ट्रेडिशनल चलता ही रहता है, किसी को मालूम नहीं है। ये 8 प्रकार का कर्म जो है वो कर्म कैसे बनते हैं कि ज्ञान आवरण, ज्ञानावरण कर्म पहला, मतलब मैं कौन हूं वो लक्ष्य में नहीं रखना, मैं कौन हूँ वो अनुभव नहीं करना, वो पहला ज्ञान आवरण कर्म है। आवरण का मतलब होता है, होता है फिर भी दिखता, अनुभव में आता, दृष्टि में रहता है, वो आवरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टेन।
फिर दर्शन आवरण का, दर्शन आवरण, दर्शन आवरण कर्म का मतलब होता है ये दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझ रहा है, ये दर्शन आवरण है। क्या है? दुनिया की वास्तविकता को नहीं समझना, यानी दुनिया कैसे बनी, कौन चलाता है, ये मन वचन काया क्या है, ये कर्मों का हिसाब क्या है, कैसे उसका निपटारा होता है, ये सब सनातन सत्य के रूप में नहीं जानना, इसका नाम है दर्शन आवरण। दुनिया की सच्चाई को समझ में नहीं आता है और व्यवहार सत्य दिखता है। क्या दिखता है? इससे तेज राजद्वेष होता है। अगर सनातन सत्य दिखेगा तो राजद्वेष नहीं। तीसरी बात, मोहनीय कर्म। सुख आत्मा में है मगर पांच इंद्रियों से लगता है कि सुख, इसको मोहनीय कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? है नहीं फिर भी लगता है, सुख है फिर भी दुख भी नहीं है, सुख भी नहीं है, बंधन है। क्या है? शादी करने के बाद सास ससुर हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, छह लोगों को संभालना, ये सुख है या बंधन है? और लगता है शादी के पहले क्या लगता है, शादी के बाद बंधन, बॉन्डेजिस। अभी उसमें से छूटना संभव नहीं है। नौकरी छोड़ सकते हैं, बिजनेस छोड़ सकते हैं, ये छह परिवार को छोड़ सकते हैं, पक्का बंधन। क्या बताया? पक्का बंधन, बिना बेड़ी वाला। क्या बताया? अब समझे, तो बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बंधन से छूटना आसान नहीं है। तो मोह है, क्या है? मोह से बंधन लगा है, मगर जब बंधन आया तो मालूम हुआ कि यहां तो सुख जैसा है ही नहीं। समझ में आए? ये संसार में तो बंधन ही बंधन है, मगर हमने माना कि ये सुख के लिए है। पैसा कमाना, कमा के थोड़ा थोड़ा बचाना और थोड़ा थोड़ा बचा के इकट्ठा करके उसमें से 1 ग्राम गोल्ड लेना। क्या बताया? 1 ग्राम। वो गोल्ड भी बचा के लॉकर में रखना, ऐसे करके 3-4 ग्राम हो गए, वो भी बचा के रखा हुआ, इसका फिर गहना बनाने का। क्या बनाया? अब क्या कहते हैं इसको? ज्वेलरी। वो बनाना, वो बनाने के बाद उसको भी संभालना पड़ता है। संभालने के बाद कोई बड़ा बड़ा फंक्शन होता है तो उसको पहनते हैं, आप समझे? मगर जब पहनते हैं तो हम देखते हैं देखने वाला दूसरा, पैसा बचाना, गोल्ड बचाना, गहना बनाना, पहनना, संभालना हमारा काम, और देखना मेरे को ये समझ में नहीं आता है आनंद कहाँ है जब देखना ही नहीं तो इतना टेंशन लेने का, फिर भी पहन के देखना नहीं, और पहना हुआ है इसको संभालना तो पड़ेगा, देखो या ना देखो। तो अभी अभी लग्न के अंदर फंक्शन में गए, ये सब ज्वेलरी पहन के गए और इसमें से यहाँ से एक बूट निकल गई, और फिर खाना खाएंगे तो स्वाद आएगा। तो हमने तो सोचा ये गोल्ड की ज्वेलरी में से तो आनंद मिलेगा, ये तो टेंशन ही टेंशन है। मगर मोह के वश हमको टेंशन टेंशन लगता नहीं, इसका नाम है अज्ञानता, इग्नोरेंस। और चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब होता है आत्मा का अस्तित्व, आत्मा की क्वालिटी,
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुपरम शक्ति वाली है, वो होते हुए भी अनुभव में नहीं आना, इसका नाम है अंतराय कर्म, ऑप्टिकल्स अंतराय है, फिर भी दिखता भी नहीं और अनुभव में भी, और इसीलिए मोह के वशम बाहर घूम रहे हैं, सुख पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, ज्ञान दर्शन पाने के लिए, मगर ये सब भ्रांति है। क्यों? क्योंकि ये तो सच्चा नहीं है, मिथ्या है। सच्चा तो अंदर है और वो शाश्वत है, और बाहर का तो परिवर्तनशील है। क्या है? लोगों को मालूम नहीं होता है। बच्चा, लड़का, लड़की जब शादी करते हैं तो इसको ये मालूम नहीं होता है कि मैं किसी का लड़का हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का चाचा हूँ, मैं किसी का बाप हूँ, मैं किसी का दामाद हूँ। ये इतना चक्कर में आ जाता है, मैं क्या हूँ वो खुद ही भूल जाते हैं। आखिर इतने सारे टाइटल में उसको नहीं समझ में आता है आखिर मैं क्या हूँ। उनके माता पिता कहता है मेरा लड़का है, उनकी वाइफ कहती है ये मेरा पति है, उनका भाई बहन कहता है ये मेरा भाई है, वो लड़के का बच्चे बोलता है मेरा पिता है। आप समझे? तो वो किसी का मैसा होता है, किसी का हुआ होता है। आप समझे? इतना सारा टाइटल मिल जाता है तो समझ में नहीं आता आखिर मैं हूँ क्या। माया की जाल, तो इसमें मैं कौन हूँ वही भूल गया इतने सारे टाइटल में। हालांकि ये टाइटल तो शरीर को लगा, मगर मैं क्या मानता हूँ, मैं ही शरीर हूँ। और ये सब टाइटल किसको लगा? शरीर को। तो शरीर को लगा तो किसको लगा? मेरे को लगा। क्यों? क्योंकि मैं शरीर हूँ। तो ये अज्ञानता है। क्या है? और अज्ञानता के बस हम अपने वास्तविक स्वरूप और वास्तविक शक्तियों को नहीं पहचान सकते। हम वास्तव में चेतन हैं, अविनाशी हैं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाले हैं, मगर क्योंकि आवरण होने के नाते होते हुए भी दिखता, समझ में आया? समझ में आता है? आपको समझ में आता है हिंदी? थोड़ा थोड़ा वो ट्रांसलेट करेंगे, आपको फी देनी पड़ेगी ट्रांसलेशन की। फिर पांचवा कर्म है नाम कर्म। क्या बोलते हैं? नाम। नाम कर्म का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, टाइटल। ये शरीर को टाइटल देते हैं तभी तो व्यवहार होगा ना, बिना टाइटल व्यवहार होगा? फिर नाम कर्म। फिर दूसरा आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म वो आपके डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। आपका कैरेक्टर पिछले अवतार में अच्छा होगा, नियत अच्छी होगी, तो आपको गोत्र भी हाई क्वालिटी का मिलेगा और आपकी सोच भावना हल्की होगी तो आपको नीच गोत्र में जन्म मिलेगा। गोत्र का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ योर एनवायरनमेंट। तो आप आपके जीवन में लोक कक्षा के अंदर जीवन अभी जीते हैं, मतलब समझ लेना कि हमारे भाव भी ऐसे ही थे, तभी इसका ये फल मिला। फिर सातवां कर्म है वेदनीय कर्म। कौन सा है? वेदनीय।
इसको इंग्लिश में कहते हैं सफरिंग। सिंपल भाषा में कहते हैं भुगतान के कर्म, भुगतान करनी पड़ती है। मगर वो कर्म का हमने दो हिस्सा में, कर्म को दो हिस्सा में बांट लिया, सातावेदनीय और असातावेदनीय। साता का मतलब होता है जो हमको पसंद है वो सातावेदनीय में कन्वर्ट हो गया, और जो हमको नहीं पसंद है इसको असातावेदनीय बोल दिया। मगर कुदरत की भाषा में तो एक ही प्रकार का कर्म है, वेदनीय कर्म। फिर हमने उसमें चॉइस लगा दिया। क्या लगा दिया? और वो चॉइस से ही राग द्वेष होता है। मैंने पहले कहा जीवन न सुख पाने के लिए है न दुख पाने के लिए, जीवन एक भुगतान है। क्या है? कर्मों की। और भुगतान को हम अपनी अल्पमति से देखकर मानते हैं कि अच्छा है ये बुरा है, और इसी से राग द्वेष। समझ में आए? तो जब आपको वास्तविकता मालूम हो जाती है तो फिर राग द्वेष, राम को वनवास जाना पड़ा फिर भी उसको किसी के ऊपर द्वेष नहीं। समझ में आए? और आठवां कर्म है आयुष्य कर्म। कौन सा? आयुष्य कर्म, लाइफ। ये भी कर्म है। आप पैदा होने से पहले आपका आयुष्य कितना है वो सुनिश्चित हो चुका है। इससे कम ज्यादा करने की क्षमता किसी के पास नहीं है। तो इसको कर्म बोलते हैं। कर्म का मतलब होता है कंपलसरी, इसमें ऑप्शन। ऐसे आठ प्रकार के जो कर्म है वो आठ प्रकार के कर्म के अंदर पहले चार प्रकार के जो कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतरात्मा, ये चार प्रकार के जो कर्म है ये बाहर दिखते नहीं है, ये दृष्टि के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? दृष्टि के अंदर। ये चार कर्म बाहर दिखते नहीं। तो ये चार प्रकार के कर्म ये मन वचन काया से भुगतान करने के लिए नहीं है, मगर नए कर्म बनाने में सहायक होता है। क्या होता है? नए कर्म बनाने में सहायक होता है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी और ये चार कर्म बाहर दिखते हैं नहीं। और उसके अलावा जो चार कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये चार प्रकार के कर्म जो है वो जन्म मरण के साथ भुगतान के रूप में जुड़े हुए हैं। क्या बताया? के साथ भुगतान के रूप में जुड़े हुए। इसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। फिक्स है। पहले चार प्रकार के जो कर्म है इसको जैन परिभाषा में घाती कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और दूसरे चार प्रकार के जो कर्म है, नाम, गोत्र, वेदनी, आयुष्य, इसको अघाती बोलते हैं। तो घाती और अघाती का मतलब यह है, घाती कर्म का मतलब है आत्मा की अनंत शक्तियों का घात करता है, यानी होते हुए भी अनुभव करने देता नहीं, इसको घाती कर्म। और अघाती कर्म का मतलब होता है मन वचन काया से भुगतान करने का कर्म। वो भुगतान का कर्म है उसको आत्मा से कोई मतलब है नहीं। जिसको संपूर्ण ज्ञान होता है उसको भी अघाती कर्म होते हैं, क्योंकि ये तो भुगतान के कर्म है तो वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा। अज्ञान चला गया तो भी करना पड़ेगा। समझ में आया?
क्योंकि पिछले अवतार के कर्मों का क्या है, फल है, तो फल तो भुगतान करना ही पड़ेगा। ज्ञान हो गया है तो भी, मैंने पहले भी कहा ना कि नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष कर्म ये कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन, और इसका कर्म का चार्जिंग आपने पिछले अवतार में किया है, अभी तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। मगर बाकी के जो चार कर्म जो अंदर है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मौन अंतरायण, इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, बाहर के अंदर नहीं कर सकते। तो अंदर के चार कर्म है, वो कर्म बांधने में, या तो कर्म लाइट करने में, या कर्म भारी करने में, या कर्म को मिटाने में, ये चार प्रकार के कर्म सहायक हैं, वो भुगतान के लिए नहीं है, नए कर्म बनाने के लिए। पहले जन्म के जो चार कर्म है वही नाम बनकर, वो भुगतान के समय तो चाहिए ना आपको टाइटल, चार्ज करते वक्त हम वो मोहनी और सब कर्म चाहते हैं, वही नेक्स्ट जन्म में नाम गोत्र और आयुष बन लाइफ ही को होते ना ज्ञान होने, लाइफ ही को, वो तो ज्ञान होने के बाद, अभी तो ज्ञान होने के बाद और लाइफ ही को मैं शुद्धात्मा हूँ वो कहते, ये तो मालूम होने के लिए चार्ज कहाँ हो सकते हैं? ये तो अभी आपको मालूम हुआ है, अनुभव नहीं हुआ है, है? ये आपके पास नॉलेज है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ऐसा ज्ञान हुआ है, अनुभव नॉलेज जैसा हो गया, नॉलेज भी नॉलेज, ये समझ में आया? अस्मन किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आती है तो इसका अनुभव नहीं होता, ये होता है, ये नॉलेज तो आ गया मेरे पास मगर अनुभव, तो कोई भी चीज़ में बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, नॉलेज जरूरी है मगर नॉलेज के बाद प्रैक्टिकल जरूरी है, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं। तो ज्ञान दिया वो ज्ञान सही है मगर ज्ञान का उपयोग वो हमारा पुरुषार्थ है, और ज्ञान मिला वो आपका उदय कर्म है, तो पुरुषार्थ और उदय कर्म दोनों क्या है, अलग है। पुरुषार्थ का मतलब होता है जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए तो ये हमारा उदय कर्म है, क्या है, अभी उदय कर्म के माध्यम से हम जो कुछ भी पाते हैं, क्या बताया, जो कुछ भी पाते हैं, इसको घर पे जाके समय मिलने पर इसका मंथन करेंगे, संजोगों में उसका दृष्टि से उपयोग करेंगे, तभी आपको अनुभव होगा, सिर्फ सुनने से अनुभव नहीं, सुनने से जानकारी होती है, क्या होती है, मगर एक्सपीरियंस नहीं। तो ये बात लाइन ऑफ डिमार्केशन समझनी पड़ेगी, दोनों बात अलग है, मिलना वो अपना पुण्य कर्म है और उपयोग करना अपना पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ का फल आएगा, पुण्य से मिला वो तो फल ही है, तो उसका फल नहीं आएगा। डिस्चार्ज बुद्धि डिस्चार्ज समझने में हेल्प कर सकती है। आप बात कर रहे हैं वो मैं डिस्चार्ज बुद्धि से समझ रही हूँ या पहले तो वो ये ज्ञान करेगा। शाब्दिक ज्ञान डिस्चार्ज बुद्धि से समझ में आता है, जिसको डेवलपमेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू समझना वो चार्ज बुद्धि है, उसका समरी जो ऐसे, हाँ, स्थूल भाषा में समझ मिलती है वो डिस्चार्ज बुद्धि है, स्थूल भाषा सार निकलता है वो हमारी लाइव बुद्धि है, जिसको पुरुषार्थ कहते हैं, तो ऑन द स्पॉट जो समझ में आता है वो मैकेनिकल बुद्धि है, मगर इसमें से सार निकालता है वो आपकी जागृत बुद्धि है। अभी हम बातचीत करने की जो प्रयोग करते हैं तो बातचीत किसके साथ होता है, वो दो कौन की, वो बातचीत करते हैं ना,
ज्ञान जो उपयोग करते वक्त बातचीत जो होती है अंदर, वो प्रतिष्ठित आत्मा बुद्धि और भार का कोई बात, वो दो लोग कौन है? हम अपने आप बात करते हैं। हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है बताओ। एक समझने वाला भाग है और एक दिखने वाला भाग है। क्या है? जो हो रहा है वो दिखता है, और एक जो दिखता है इसको क्या कहता है, समझता है। तो दोनों भाग क्या है? तो दोनों से बातचीत होती है। ये झूठ बोलता है, यहाँ से अंदर कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चोरी करता है, अंदर कहता है नहीं करना चाहिए। ये गुस्सा करता है, अंदर कहता है नहीं करना चाहिए। तो अंदर बातचीत होती है। एक बार झूठ बोल दिया, गुस्सा कर दिया, फिर अंदर मंथन होता है कि इससे क्या फायदा होगा। क्रिया तो हो गई, आप समझे? वो चाहे पुरुषार्थ उसका ही रहेगा, मैकेनिकल में पुरुषार्थ। इसको ही होगा, इसको कैसे होगा? अगर इसको होगा तो इसको जला दिया तो ज्ञान चला गया। आत्मा को कहेंगे तो आत्मा तो अनंत ज्ञान वाला है, इसको ज्ञान की जरूरत नहीं। और ये जड़ है, नेचर मेड है, और नेचर उसका कंट्रोल करते हैं। तो जिसका कंट्रोल ही कुदरत करते उसमें ज्ञान कैसे होता है? और जो आत्मा खुद ही अनंत ज्ञान वाला है, इसको ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए ना शरीर को होगा ना आत्मा को होगा, प्रतिष्ठित है। प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञान होने के बाद उपयोग भी वही करते हैं, वही करेंगे, जिसको ज्ञान मिला वही तो उपयोग करेंगे। दृष्टि वही होता है कि तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर ऑर्डर आप कहते हैं, वो तो क्या है, ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, ये तो क्या है, व्यवस्थित और कुदरत की रचना, और अंदर होता है मैं शुद्ध आत्मा। वो हाँ, वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है नई डिज़ाइन बनाना, हार्डवेयर का मतलब होता है डिज़ाइन के मुताबिक फॉलो होना। जो पिछले अवतार में आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उसी के मुताबिक ये हार्डवेयर काम करेगा, और अभी नया सॉफ्टवेयर बनाओगे वो भी नेक्स्ट बर्थ में हार्डवेयर के रूप में काम करेगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो रिलेटेड ऐसे काम करता है, आप समझिए। आज जो क्रिया हो रही है ऐसा ही सॉफ्टवेयर आपका रहेगा, ये जरूरी नहीं है, आप समझे। तो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन कर सकते हैं, हार्डवेयर में नहीं कर सकते। लोग हार्डवेयर को सुधारने की कोशिश करते हैं। यस सर जी, प्रकृति में जब विचार आते हैं, मान का विचार आते हैं, कभी क्रोध कभी लोभ का विचार आते हैं, तो ये प्रकृति का जो डिटेल में देखना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं डिटेल में देखना इसीलिए नहीं चाहिए, जो खुद अपने आप मर रहे हैं तो उसमें क्यों आप जीते जी मर रहे हो, वो तो अपने आप मर रही है। आज आज 27 जनवरी 2020 है, ठीक है, 27 जनवरी 2020 और 26 जनवरी 2020 और उसके पहले के समय के लिए हम मर चुके हैं। यस और नो? वो जिंदगी में कभी आने वाला, उनका श्वास भी खत्म हो गया, उनका आयुष्य कर्म भी खत्म हो गया, उनके साथ जुड़े हुए कर्म भी खत्म हो गया। तो आज का श्वास, आज का आयुष्य आज के लिए है या कल के लिए है? आज के लिए। तो फिर कल का सोचने की आज को क्या जरूरत है? कल तो आपको समय दिया था कि नहीं दिया था? तो आज का समय आज के लिए, कल के लिए है, तो छोड़ दो। कभी कुछ भाइयों के भाई के विचार आते हैं मन में, तो थोड़ा टाइम जागृति नहीं रहता, उसमें जुट जाते हैं, तो 5-10 मिनट के बाद जागृति आते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो कुदरती रचना है। तो जब ऐसे ज्ञान मिस होता है, जब ज्ञान में
मिसिंग होता है तो फिर वापस आते हैं मन में, आई मीन अवेयरनेस में कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो कुछ करना है उस वक्त, कुछ परिक्रमण या कुछ कुछ करना है उस वक्त जब ज्ञान मिस करता है, 5-10 मिनट अवेयरनेस नहीं रहता, फिर वापस ज्ञान में आता है तो 10 मिनट ज्ञान में नहीं रहा, जुड़ी रीसेट कर दो, रीसेट कर दो, आप समझे। कभी कभी जो हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में जागृति जो होनी चाहिए वो नहीं रहती है, हार्डवेयर को तो वही का वही रहेगा, मगर सॉफ्टवेयर की जो जागृति हार्डवेयर के प्रति होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, रीसेट कर दो, आप समझे। जो टाइम चला गया जो हमने यूज नहीं किया उसको क्या करें? कोई बात नहीं, चला गया तो क्या है, देख लेने का कि इतना समय चला गया, बस जानना है, बस इसमें डीप में जाने की जरूरत। इम्पोर्टेंट बात, हर समय एज फार एज पॉसिबल प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्यूचर एंड पास्ट दे क्रिएट ऑलवेज पजल एंड टेंशन इन योर लाइफ, आप समझे। आदमी सोच सोच के थक जाता है, काम करके नहीं, अभी क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वो टेंशन लेता है, टेंशन समझते हैं। लेकिन ये तो प्रकृति में आते हैं ना, ऐसी प्रकृति लेकर आया है तो ऐसे विचार आते रहेंगे ना। नहीं नहीं, विचार अलग बात है, वो मैकेनिकल है, और भाव जो है वो जीवित है, वो मैकेनिकल नहीं है। तो टेंशन उसी भाव को होता है, मैकेनिकल भाव को टेंशन नहीं होता है। जो फिल्म थिएटर में प्रेजेंट होती है उस समय ड्रामा करने वाले को टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो फिल्म है। अभी अमिताभ बच्चन देख रहा है अपनी फिल्म और वो मारा मारी कर रहे हैं, तो अमिताभ बच्चन क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, देखेगा, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, आप समझे ना। उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मैकेनिकल भाग है। क्या है, जीवित भाग में पुरुषार्थ कर सकते हैं कि ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, मगर मैकेनिकल भाग में कुछ नहीं। तो ये मैकेनिकल है, क्या है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कुदरत ने श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति किसी को दिया नहीं। अगर श्वास लेने की शक्ति अगर आपके पास होती तो फिर आपको श्वास लेने में ध्यान रखोगे या काम में ध्यान रखोगे? अगर श्वास लेने की शक्ति आपकी है तो पहले यहाँ ध्यान रखोगे कि यहाँ ध्यान रखोगे, कहाँ रखोगे, समझे कि नहीं। और अगर आप खुद लोगे तो फिर रात को सो कैसे पाओगे, फिर कौन लेगा, जागना पड़ेगा, मतलब कभी सोने का सवाल ही नहीं, फिर तो सो गए तो फिर सो गए। तो इसीलिए बात को समझना पड़ेगा। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यानी ज्ञान दर्शन, कितना ज्ञान उतना डेवलपमेंट एक जीव को हुआ है, तो ये डेवलपमेंट नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उस वक्त कौशल बॉडी जाते हैं नेक्स्ट लाइफ में, सोल भी जाते हैं, तो उसके साथ ही डेवलपमेंट भी जाते हैं, उनके साथ ही जाते हैं, और वहाँ जाकर वो नेक्स्ट लाइफ में प्रतिष्ठित आत्मा के साथ रहते हैं, लाइव ईगो के साथ रहते हैं, ये डेवलपमेंट। हाँ, वो तो साथ ही रहेगा। नहीं नहीं, ओके। जब आप दर्शन बोलते हैं, आप वो बताते हैं कि मैं दर्शन से बताते हैं, इस बुद्धि से नहीं या याद से नहीं, दर्शन से दिख रहा हूँ, वो दर्शन कहाँ है, परिणाम वाला भाग में है या पुरुषार्थ वाला? पुरुषार्थ वाला,
अभी जो दर्शन है वो डेवलपमेंट के साथ लेकर आए और बाद में पुरुषार्थ करके वो डेवलपमेंट अपग्रेड कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर दो, डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, डेवलपमेंट कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। क्या बताया? माइनस नहीं होता है और कैरी फॉरवर्ड होता है, बर्थ टू बर्थ। और अगर सभी प्रकार का अज्ञान निकल गया तो आपका डेवलपमेंट फुल हो गया। अभी दुनिया के बारे में या तो रिलेटिव के बारे में आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान है नहीं, मगर कर्मों की भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, मगर अज्ञान निकालने का पुरुषार्थ बंद हो गया। और जब अज्ञान निकल गया तो अपने आप केवल ज्ञान का बीज होता है, जो पाप पुण्य से जुड़ा हुआ नहीं है, आप समझे। और नेक्स्ट बर्थ में इसका रिजल्ट भी बट नेचुरल आता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए कहा, जितना हो सके इतना पास्ट और फ्यूचर में मत जाओ, प्रेजेंट में ही रहने की कोशिश करो। और दूसरी बात, अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी होता है वो जीवन के अंदर किसी को ब्लेम क्लेम करने की कोशिश मत करो। हम सब कुदरत के पपेट्स है, क्या है, चलाने वाला वो है, चलना हमको है, विदाउट चॉइस। क्या बताया? तो हर इंसान पपेट्स है और पपेट्स में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, फिर भी हम ब्लेम एंड क्लेम करते हैं, वो हमारी अज्ञानता है। मैंने पहले कहा कि ये लाइफ जो बाहर का है वो ड्रीम है, क्या है, सपना। हम जिसको ड्रीम थोड़ा क्या है? हम जिसको ड्रीम मानते हैं या दुनिया के लोग जिसको ड्रीम मानते हैं वो तो 6-7-8 घंटे का होता है, मगर ये लाइफ का ड्रीम तो लंबा है, 60, 70, 80, 90, 100 ईयर्स का है। मगर ये दोनों को ड्रीम क्यों कहते हैं? तो कि ड्रीम की डेफिनेशन क्या है? ड्रीम का मतलब होता है जब रात को सो जाते हैं तो हम आंखें बंद हो जाती हैं तो ड्रीम शुरू होता है, और जब सुबह आंखें खुली होती खुल जाती है तो ड्रीम समाप्त हो जाता है। ये दुनिया की भाषा का ड्रीम है, और ज्ञानियों की भाषा का ड्रीम जो है वो लंबा है। जब इंसान पहली बार जन्म लेता है और आंखें खुलता है तब से ड्रीम शुरू होता है, और जैसे परमानेंटली आंखें बंद कर दिया तो ड्रीम फिर जब खुलेगी तो इसमें से कुछ होगा नहीं, आप समझे ना। तो ये ड्रीम है, ये कोई फैक्ट है, इसमें से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बराबर है कि नहीं? तो ड्रीम के बाद ड्रीम, ड्रीम के बाद ड्रीम, वही रहेगा ना। आपका कॉज भी ऐसा है, कॉज ड्रीम का तो है, कैसा ड्रीम का है? हमको खेलने में आनंद आता है, खाने में आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है, पैसे कमाने में आनंद आता है, शादी करने में आनंद आता है, बच्चे पैदा करने में आनंद आता है, इसको बड़ा करने में आनंद आता है, घूमने में आनंद आता है, ये भौतिक संपत्तियों को भुगतान करने में आनंद आता है, बस ये ड्रीम तो है, वो फैक्ट है, फैक्ट है। जहां आनंद का अंश नहीं है, हैप्पीनेस का अंश नहीं है, वहां हैप्पीनेस मान के बीज डालना वो क्या अज्ञानता नहीं है? तो अज्ञानता से तो ड्रीम ही आएगा ना, वास्तविकता है नहीं आएगा, तो ड्रीम से तो ड्रीम ही आएगा। जब सुख है नहीं फिर भी आपको सुख प्राप्त करना है तो वो ड्रीम तो है, समझ में आया कि नहीं? जैसे जैसे हम छोटे से बड़े हो रहे हैं,
तब से हमारा ड्रीम शुरू हो गया। पहले खेलते थे, बोला खेलने में बहुत आनंद आता है, अच्छा खेले। फिर थोड़े समय के बाद ड्रीम चेंज हो गया, नहीं अभी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी। फिर अभी ड्रीम चेंज हो गया, वो सब ड्रीम में तो हैप्पीनेस के लिए ड्रीम होता है ना, तो पहले खेलने का ड्रीम, फिर पढ़ाई करने का ड्रीम, फिर पढ़ाई हो गई, डिग्री मिल गई, फिर हम कहे कि अभी आप हैप्पी हो गए, बोला नहीं अभी तो पैसा कमाना है, वो ड्रीम चालू हो गया। अभी फिर पैसा कमाया आपने दो चार पाँच साल तक, बोला अभी आप खुश हो गए, नहीं अभी तो शादी करना है, तो शादी कर दिया। फिर बोलता है अभी तो आप सुखी है, नहीं अभी तो बच्चे चाहिए, फिर बच्चे हो गए। फिर इसको बड़ा करने का ड्रीम, इसको पढ़ाओ खिलाओ पिलाओ कपड़ा पहनाओ, ये ड्रीम शुरू हो गए। अब समझे, फिर बच्चे को भी बड़ा कर दिया, शादी करवा दिया, उनके भी घर बच्चे हो गए। फिर पूछेंगे भी अभी तो आप सुखी हो गए, तो बोला कैसे सुखी हो गए, अभी तो हमारा पाँव काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, कमर काम नहीं करता है, तो ये सब कुछ तो सुख के लिए किया, अभी तो नेक्स्ट बर्थ में मिलेगा सुख। ऐसे करते करते जीवन का चक्कर चलता ही रहता है, भ्रांति से, कैसे इल्यूजन, ये दुनिया समझने जैसी चीज, उसमें डीप में जाने की जरूरत बाहर से ही समझना है, अंदर जाना नहीं है, वो अंदर जाएगा तो मालूम हो जाएगा, फिर पिंजरे में से बाहर निकलना संभव नहीं है। समझ में आए, बांध सकते हैं, वो जन्मों के लिए भी बांध सकते, एक से ज्यादा जन्मों के कर्म बांध सकते, एक ही बात। अभी मानव जन्म में जो कर्म बांधे हैं, वो एक ही मानव जन्म में मिलेगा कि बहुत सारे मानव जन्म? मानव जन्म एक ही मिलेगा, मानव जन्म के अलावा तो कर्म बांध सकते हैं, एक ही भाव में। आप एनिमल में भी जा सकते हैं एक दो बार, नर गति में भी जा सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं, मगर इंसान के अंदर इंसान का भाव तो एक ही, बाकी सब अवतारों का भाव हो सकता है। अभी एक जन्म में मैं अभी मानव हूँ, तो नेक्स्ट जन्म में वो कर्म कैरी फॉरवर्ड होके मानव नेक्स्ट जन्म भी मानव ही होगा, लेकिन वो कर्म नहीं आएगा उस ऐसे। इसके अलावा जो कर्म होता है वो पहले भुगतान करनी पड़ती है, और सभी प्रकार के अकाउंट सेटल करके फिर मनुष्य भव होगा, फिर भुगतान होगी, और फिर उसके साथ नए कर्म भी होंगे, फिर आपका रिबर्थ चालू होगा। और कोई गति में रिबर्थ होता नहीं है, आपको उनके चार भव के मनुष्य भव नहीं बांध सकते, कैसे बांध सकेंगे, तो फिर चार भव का बांधेंगे तो फिर चार भोग का चार्ज कहाँ जाएगा। आप समझे ना, तो प्रिंसिपली वो करें नहीं है, एक ही भाव का होता है, मनुष्य में मनुष्य भाव का एक ही कर्म होता है, अवतार होता है, मनुष्य के अलावा ज्यादा हो सकते हैं एक ही अवतार में, एक ही अवतार में दो पशु योनि के कर्म बांध सकते हैं, दो नरक गति के बांध सकते हैं, दो देवलोक के बांध सकते हैं, मतलब मनुष्य के दो नहीं बांध सकते, वो तो एक ही होता है, मिनिमम कहो या मैक्सिमम कहो कितना होगा, एक ही। भुगतान करने की सिचुएशन चाहिए, तो सिचुएशन नहीं आएगा तो पेंडिंग रहेगा, वो पूरा लाइफ में रहेगा, एक कर्म बाकी रहेगा, सिर्फ कर्म पेंडिंग रहता है, सिंगल कर्म, सिंगल कर्म पेंडिंग रहेगा, पूरी लाइफ पेंडिंग नहीं रहेगी, सिंगल कर्म। अभी हम ये जन्म आए हैं तो हमारे बाकी ऐसे कर्म रह सकते हैं कि हमको किसे भोगना होगा? वो तो वो केवल ज्ञानी जान सकते हैं, हम तो नहीं जान सकते। अभी कलयुग में ऐसे कोई हो सकता है? कलयुग में ऐसा होना संभव नहीं है,
नहीं है, समझ सकते हैं देख नहीं सकते। इसलिए इस कलयुग में केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, कलयुग में कोई केवल ज्ञानी नहीं होता, केवल दर्शन 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 का मतलब होता है जानना समझना, ज्ञान का मतलब होता है देखना। आत्मा में दर्शन है, आत्मा में ज्ञान है, सिर्फ ज्ञान है। तो हम ये बोलते हैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, तो अनंत दर्शन कैसे? जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति है, क्योंकि सामने ऑप्शन है लिमिटेड का। जब प्रकृति ही नहीं है तो फिर अनंत ज्ञान के साथ अनंत दर्शन की क्या जरूरत है, अनंत सुख की क्या जरूरत है, अनंत शक्ति की क्या जरूरत है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जड़ के साथ कांटेक्ट करने के कारण इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अज्ञान को निकालने के लिए कोई काउंटर वेट चाहिए कि नहीं? तो बाद मोक्ष में जो जाएगा उसके लिए तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन का जरूरत नहीं? बिल्कुल, ज्ञान स्वरूप है वो, क्या है फिर उसको? अनंत शब्द जो है वो क्वांटिटी वाचक नहीं है, क्वालिटी वाचक है। क्या बताया? वो क्वांटिटी नहीं है, और संसार का सुख दुख जो भ्रांति वाला है वो क्वांटिटी वाचक है, और आत्मा का सुख क्वालिटी वाचक है। तो इसमें क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे मैंने कहा ना कि जब कैमरा में हम जब पिक्चर लेते हैं तो वो क्वांटिटी वाचक है, क्या है? और जब मिरर के अंदर पिक्चर होते हैं तो वो क्वालिटी वाचक है। वो क्वांटिटी यू कैन नॉट काउंट इट, कि मिरर में कितने पिक्चर हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मगर कैमरा में कर सकते हैं। समझ में आया स्वामी जी? वो तो उपयोग करना है, वो तो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग, ये तो करने वक्त ये अनुभव कैसे प्रकट हो जाते हैं? वही अनुभव है क्या? वो अलग रहते हैं ना, ये तो क्या है ज्ञान से हम अलग रहते हैं, ये तो क्या है व्यवस्थित शक्ति मानी कुदरत की रचना है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसी दृष्टि में लगते हैं। और अरे तब तो हम क्या लगते हैं, वो उधर तो राग द्वेष नहीं लगते हैं, किसी घटना हो या किसी आदमी हो वैसे ही होता है, उस पर वो ही अनुभव होता है। वो क्या कैसे उपयोग से अनुभव होता है, किसका अनुभव क्या है, अनुभव कैसा होता है बता। आपने बालक को जन्म दिया तो आपका लक्ष्य में रहेगा ये मेरा बच्चा है, और जब मेरा बच्चा है तो मेरा के साथ जुड़ा हुआ जो प्रेम होता है, अवेयरनेस होती है, जागृति होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनके साथ इनबिल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बस तो ये बच्चे का अनुभव हो गया। बच्चा तो बच्चा है, तुम अलग है बच्चा अलग है, मगर बच्चे का अनुभव कैसे हो गया? बिलीफ से, दृष्टि से अनुभव है, दृष्टि से, क्रिया से नहीं, क्रिया से नहीं। ऐसे आत्मा का अनुभव भी दृष्टि से है, क्रिया से नहीं है। तो ये उपयोग हो रहे ना, वही अनुभव है, ये तो उपयोग हो रहे ना आत्मा, बिना उपयोग अनुभव नहीं होता है। आपको आप अभी जागते हैं और घर में 8-10 लोग हैं, रात का समय है, सब सो गए, और आप रात को जागे और पानी पी के सो रहे हैं, उस समय आपने बड़ा सर्प देखा घर के अंदर, तो फिर क्या होगा? हैं मगर बाकी सब सो गए, उसको क्या होगा? नहीं, क्यों? उनके लिए सर्प नहीं है, तो फिर भी उसको नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं है। विदाउट अवेयरनेस नो एक्सपीरियंस। इफ द थिंग्स आर एग्जिस्टेंस देयर बट अवेयरनेस इज नॉट देयर, देयर इज नो एक्सपीरियंस। अगर चीज नहीं है फिर भी अवेयरनेस है तो अनुभव है। जैसे आप यहां बैठे हैं, और आपका ध्यान घर पे चला गया, तो बैठे यहाँ है, मगर ध्यान चला गया तो अनुभव किसका होगा?
घर का होगा, घर में क्या हो रहा है, वो लड़की आ रही है, लड़का आया है, अभी चाय पी रहा होगा, खाना खा रहा होगा, दोनों झगड़ते होंगे, ऐसा ऐसा अटेंशन भारत है। आप समझे, क्योंकि चित वहाँ है, योर फोकस, योर अवेयरनेस इज देयर, एक्सपीरियंस इज देयर। आप समझे, ऐसे ज्ञानी ने कहा, अगर आपका उपयोग मन वचन का आया और पांच इंद्रियों से दिखाती हुई दुनिया के अंदर आपकी अवेयरनेस है तो वो रिलेटिव सत्य का अनुभव है, और ये सब कुछ होते हुए भी आपकी दृष्टि का फोकस आत्मा में है तो आत्मा का अनुभव है, संसार होते हुए भी संसार का अनुभव नहीं है क्योंकि फोकस यहाँ नहीं, यहाँ है। तो इट इज अ मैटर ऑफ उपयोग अवेयरनेस, समझ में आया ना। तो बिना जागृति तो उपयोग भी नहीं रहेगा, तो जैसे जागृति वैसा उपयोग। तो उपयोग के अंदर अनुभव है, क्रिया के अंदर नहीं है। तो जागृति प्रतिष्ठित आत्मा को रहती है, उसको ही रहेगी, दोनों होते हैं। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को अवस्था का अनुभूति होता है और चार प्रतिशत आत्मा को ज्ञान दर्शन का उपयोग करने की अनुभूति होती है। जैसा ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे वैसा उनका अनुभूति और पुरुषार्थ रहेगा, और डिस्चार्ज वाले भाग का ये डिस्चार्ज का अनुभव रहेगा, मैंने खाना खाया, ये किया, वो किया, वो किया, वो नहीं किया, ये उन्होंने किया, ये मेरा है, तेरा है, ये बता, सब अनुभव डिस्चार्ज वाले का होता है। मगर चार्ज वाला उनमें जुड़ जाता है तो वो डिस्चार्ज लाइव हो जाता है, क्या हो जाता है, समझ में आया। और स्वामी जी वो तो अभी तो उपयोग कर रहे हैं ना, अनुभव हो रहे हैं, ये तो अलग है, ये तो मालूम है कि शुद्ध आत्मा हूँ, ये तो ज्ञान है और दर्शन भी है, उस समय प्रतिष्ठित आत्मा क्या चार्ज करते हैं? जैसा उसका ज्ञान दर्शन है वैसा चार्ज होगा नहीं, जैसा ज्ञान दर्शन ऐसा उसको मोह होगा, ऐसा उसको ज्ञान और दर्शन का आवरण लगेगा और ऐसा कर्म चार्ज होगा, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या होगा, डिस्चार्ज। अभी तो ज्ञान का उपयोग हो गए तो तो आपका पुरुषार्थ में चार्ज क्या होगा, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति। पुरुषार्थ का रिजल्ट आता है, स्वभाव का रिजल्ट नहीं आता। पुरुषार्थ है ना, मैं शुद्धात्मा में रहता हूँ, मेरे को कुदरती रचना समझना है, ये पुरुषार्थ है, तो इसका फल आएगा। और जब आत्मा के अंदर स्वभाव आएगा यानी अज्ञान खत्म हो जाएगा तो फिर स्वभाव रहेगा, फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा, तो कर्म बंधन भी नहीं होगा और फल भी, यानी जन्म मरण की साइकिल बंद हो जाती है। कुदरत का कानून एक ही बात कहता है कि ये रुमाल भले तुमने पैसे से खरीदा है मगर तुम मालिक नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये कॉटन मेरा है, कुदरत कहती है, और उसका पैसा कुदरत को नहीं दिया है, दिया नहीं दिया है। आप समझे, मगर कॉटन तो कुदरत का है, खेरुद खुद कॉटन बना सकते हैं नहीं है, खेरुद कॉटन बनाने का प्रयास कर सकते हैं मगर हवा पानी जमीन धरती का रसकस ये सब किसका है, अगर वो नहीं है तो बनेगा, खेडूत कितनी मेहनत करेंगी मगर पानी नहीं है तो, हवा नहीं है तो, अग्नि नहीं है तो, मिट्टी क्वालिटी वाली नहीं है तो ये सब किसका है। तो कुदरत एक ही बात कहती है, जन्म से मौत तक आपको जो कुछ चीज मिलती है वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में, ये सब की ओनरशिप परमानेंटली मेरी है, क्या बताया, परमानेंटली ओनरशिप मेरी है,
और यू आर द, आपको अगर ये मिलता है तो यू आर टेम्पररी यूजर, क्या बोलते हैं, मगर ओनर नहीं, यूजर। या आपने नैपकिन खरीदा है तो आप मालिक नहीं है, यूजर है, और खरीदा है तो आप भी यूज कर सकते हैं, परिवार के लोग भी यूज कर सकते हैं, गेस्ट भी यूज कर सकते हैं, पड़ोसी भी यूज कर सकते हैं, और फिर बाद में दो चार साल के बाद ये टूटा फूटा कहाँ चला जाएगा, धरती में चला जाएगा, वहां से ही निकला, और वहां तो परमानेंट ओनर कौन है। ये शरीर जो पंच महाभूतों का बना है वो किसका है, और जब जला दिया जाएगा तो किसमें मिलेगा, तो पहले भी पंच महाभूत था और बाद में भी, तो ये जो बॉडी है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, मगर पहले भी कुदरत का था और बाद में भी, तो तुम यूजर हो बॉडी का या ओनर हो, और बन जाते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है जिसका कोई मालिक हो सकता है, कोई भी चीज, तो कहने का मतलब है कि ये दुनिया पूरी छह तत्वों से ही बनी हुई है और छह तत्वों से ही चलती है, मगर हम तत्वों को नहीं देख के अवस्था में जुड़ गए और इसीलिए राग द्वेष शुरू हो गया। हालांकि अवस्था का रचना करनारा ही कुदरत है, इसमें आपको राग द्वेष करने की जरूरत, क्योंकि वो संजोग आपके लिए कंपलसरी है और वो भी कर्मों की भुगतान के लिए है। राम को वनवास जाना है तो जाना ही है, इसमें उसका ज्ञान बीच में नहीं आता है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में होना है तो जेल में ही होगा, इनमें इसका ज्ञान बीच में, महावीर को कान में खिला लगना है तो लगेगा ही, इसमें ज्ञान बीच में नहीं आएगा। यानी अवस्था है, इसका संचालक ही कुदरत है, और ज्ञान आत्मा का ज्ञान वो तुम्हारा खुद का स्वभाव है, तो स्वभाव और अवस्था ये दोनों से कोई कंसर्न है नहीं, एक विनाशी और एक अविनाशी। छह तत्व जो है अकेला कुछ ऐसे कुछ नहीं कर सकता, अकेला मतलब छह तत्वों में एक सिंगल ऐसे काम कभी एक ही करेगा, अकेले एक तत्व से कोई अवस्था बनती नहीं, हर अवस्था के में हर अवस्था में छह तत्व चाहिए ही, क्या बताया, अवस्था में नहीं तो एक्टिव होगा नहीं। तो मोक्ष में तो आत्मा और स्पेस है, तो वो दो हो गए, तो वो दो रहे हैं वहां अलोक में, दो तत्व है और दूसरा कोई तत्व नहीं, जरूरत भी नहीं है वहां, अवस्था नहीं है तो फिर वहाँ सर्कमस्टांसेस नहीं है, वहाँ कॉज इफेक्ट नहीं है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, तो फिर क्या चाहिए था? अब सुनिए, तो मैं कारणों ना आज ना सत्संग में सुनूं टीवी ना सवाल, और मैं उनके को कारण ना नाश करवाना, तो ये आपके देखना पड़ेगा अपना कारण, कारण ना नाश केवल इतना करवाना, आज आज ना सत्संग हमें सुनूं सवाल ना, कारण का मतलब होता है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय कर्म, ये तीन कारण मुख्य है, फिर बाकी सब कारण उसकी ब्रांचेज है, क्या है ब्रांचेज, ये तीन कारण मुख्य है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय। ज्ञान आवरण का मतलब है कोई भी अवस्था में खुद की पहचान नहीं होना, ये पहला ज्ञान आवरण है। दर्शन आवरण का मतलब है दुनिया का सनातन सत्य समझ में नहीं आना, ये दूसरा दर्शन आवरण है। और मोहनीय कर्म का मतलब होता है पांच इंद्रियों से अनुभव में आती हुई दुनिया में सुख है ऐसा मानना, वो मोहनीय कर्म है। ये तीनों के सहाय से नए कर्म यानी कारण बनते हैं, समझ में आया। तो इस प्रकार से ये कर्म है, वो कर्म का सिद्धांत काम करता है, फिर भुगतान के लिए कर्मचार्ज हुआ तो वो आपका पुरुषार्थ है, डिस्चार्ज कुदरत करेगी।
वो भी तत्वों के सहयोग से। हाँ, टाइम एनो आवे त्यारे आवे छे, संजोग भेगा कहीं ना कोई आपे। ऐसे ये दुनिया चलती है, ये दुनिया में कोई भी अवस्था परमानेंट हो सकती नहीं है। ओनली एलिमेंट्स आर परमानेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस आर ऑलवेज टेंपरेरी, और टेंपरेरी का संचालन कुदरत करते हैं, इसीलिए उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मगर उसके साथ साथ उसका कारण जानो कि ये संजोग क्यों बना है, उस कारण को नाश करोगे तो ये कार्य नहीं होगा। कार्य को परिवर्तन कर सकते हैं नहीं, मगर कारण को बदल सकते हैं, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आने वाला है। अभी जो कार्य कर रहे हैं उसका तो आपने बीज डाल दिए हैं, तो भुगतान कंपलसरी है, इसमें परिवर्तन नहीं होता। मगर अगर आपको करना है तो बीज में करो तो अपने आप फल में आएगा। तो कारण में तो मैं शरीर और जो मन कॉम्प्लेक्स है उसको मैं समझी हूँ, यही कारण है। पूरा शरीर ही मैं हूँ, वो पहला सबसे बड़ा अज्ञान है। शरीर ही मैं हूँ, हालांकि है कुदरत ने बनाया हुआ, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब उसका है। दूसरा है कारण अज्ञानता का, मैं इसको चलाता हूँ। कुदरत कहती है तुम्हारे पास तो श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, तुम क्या चलाओगे इसको। तीसरा कारण अज्ञानता का कि मन वचन काया से जो भुगतान होता है वो मेरे को होता है, ये तीसरी अज्ञानता है। ये तीनों अज्ञानता के साथ नया कारण चार्ज होता है। अगर ये तीनों अज्ञान निकल जाएगा तो धीरे धीरे नए कारण चार्ज नहीं होगा। आप समझे कि नहीं समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा बोलिए। कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दृष्टि दिया बोलते हैं, तो कोई ज्ञानी ऐसे दृष्टि दे सकते हैं? ऐसे दृष्टि तो दे सकते हैं, अनुभव नहीं दे सकते। उपयोग करना है वो दृष्टि को, उपयोग खुद करना है। अनुभव नहीं दे सकते, दृष्टि दे सकते हैं। दृष्टि का मतलब होता है समझ कहो, पाठ कहो, विजन कहो, अंडरस्टैंडिंग कहो, जो भी कहो वो दे सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं दे सकते। अनुभव तो खुद को ही करना पड़ेगा, अनुभव नहीं दे सकते। रास्ता तो दिखा सकते हैं और रास्ता में चलने की दृष्टि भी दे सकते हैं, मगर चलना तो आपको ही पड़ेगा। ये अनुभव एक ही होगा, अनंत तप के अनुभव रहा है ज्ञानी पुरुष को, एक ही अनुभव है सभी का। सार्वत्रिक अनुभव होता है ना, ये अनुभव सबको एक ही होते हैं। फाइनल एक्सपीरियंस सबको एक होता है, फाइनल एक्सपीरियंस सबको, अवस्था का एक्सपीरियंस सबको अलग अलग होता है, बट जो फाइनल एक्सपीरियंस है वो सबका क्या है? फाइनल एक्सपीरियंस होगा तब तो अज्ञान रहेगा ही नहीं। फाइनल इसमें फिर अज्ञान होता और पुरुषार्थ भी होता नहीं, सिर्फ स्वभाव। अभी तो दृष्टि से हमें क्या है, अनुभव शुरू किए है ना, दृष्टि से अनुभव शुरू किए, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये कुदरत की रचना से चल रहे, ऐसे उपयोग कर रहे हैं। ये अनुभव सबको एक ही होते हैं या फाइनल ही एक ही होते हैं? फाइनल, ये तो अलग अलग होता है। अभी तो क्या है, लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ योर एप्लीकेशन, लेवल ऑफ योर इंटरेस्ट, इसके आधार से अनुभव की कैटेगरी भी क्या होती है। सब बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, सब तो एक ही बोलेंगे, अनुभव सबका अलग अलग होगा। वो इंटरेस्ट वैल्यू सब होता है, शब्द थोड़ा अनुभव है,
सब लोग माना गिनते, सबका अनुभव एक ही होगा? नहीं होगा। प्रक्रिया एक्शन एक होती है, शब्द भी एक हो सकता है, मगर अनुभव एक नहीं। वो तो डिग्री कहते हैं ना, इतना डिग्री 360 डिग्री, वो तो इसमें अवस्था में तक ये तो होता है 360 डिग्री। वो तो 360 डिग्री होने के बाद केवल तो 360 डिग्री का तो केवल ज्ञान तो है, मगर ये केवल ज्ञान होता है तो फिर अज्ञान होता है नहीं। केवल ज्ञान भी 360 डिग्री का ही होता है, मगर केवल ज्ञान 360 डिग्री का कंप्लीट होता है ऑन द स्पॉट, इसमें पीसिस नहीं होता है। क्या नहीं होता है? मगर केवल दर्शन में क्या होता है? स्टेप। ये जो जैन धर्म में 14 गुंठाना बताया वो केवल दर्शन का है, 11 तक, 12 तक केवल दर्शन का है, फिर 13 में केवल ज्ञान आता है तो फिर वो रहता नहीं। ये तो स्टेप्स थोड़ा बताइए, 14 उसके बारे में। वो तो पहला दूसरा और तीसरा गुंठाना वो अज्ञान का है, चौथा घुमटाना है वो सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन सम्यक क्या है? फिर 5, 6, 7 डेवलपमेंट का है। क्या है? सम्यक ज्ञान दर्शन तो आपको दृष्टि से हो गया, फिर 5, 6, 7 अनुभव के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए है? क्या यानी सब कुछ सही समझना, फिर समझ तो आ गई सातवें घुमटाने में, फिर उसकी जागृति रहती है। जितनी जागृति रहेगी तो अप हो जाएंगे, नहीं रहेगी तो डाउन हो जाएंगे। हाँ, मगर 7 से नीचे नहीं आओगे क्योंकि डेवलपमेंट तो हो गया है, अभी एक्सपीरियंस बाकी रहा। तो आप 7 से फिर 11 तक अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते, मगर एक बार आपने 11 को क्रॉस करके 12 पे आ गए तो फिर वापस नहीं आओगे, फिर 12 से 13 और 14 होगा। 12 हो गया का मतलब आपका ज्ञान दर्शन स्थिर हो गया, अभी इसमें कमी नहीं होगी। 7 से 11 तक अप्स एंड डाउन हो सकता है, 12 में स्थिर हो गया, फिर 12 के बाद केवल ज्ञान, 13 में और 14 में निर्वाण। ऐसा है तो 12 में केवल दर्शन का दर्शन हो गया कंप्लीट, वो 12 में तभी तो स्थिर हुए ना। जब दर्शन कंप्लीट नहीं होता है तो गिरने का चांसेस है, जब दर्शन कंप्लीट हो गया यानी अज्ञान ही खत्म हो गया तो गिरने का कोई स्कोप ही नहीं है ना। अज्ञान से ही तो गिरते हैं, जब अज्ञान 1% भी नहीं है तो फिर कैसे गिरोगे? यार डेवलपमेंट का मतलब समझ में आ गया, अनुभव बाकी है, उपयोग बाकी है। आप समझे? अभी लास्ट जन्म है जो अज्ञान खत्म हो गया फिर दर्शन नहीं होता है लास्ट वर्ष में। ये अवतार में अज्ञान निकल गया, केवल दर्शन हो गया, फिर नेक्स्ट वर्ष में दर्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ज्ञान। हाँ, क्या है केवल ज्ञान? केवल ज्ञान में क्या है? सिर्फ ज्ञान, ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश अभी भी आ सकता है? ज्ञान प्रकाश अभी भी हम दृष्टि बदलने के बाद भी आ सकता है? ये ज्ञान प्रकाश नहीं होता है, ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, बौद्धिक ज्ञान प्रकाश है। अपना बुद्धि दो प्रकार की होती है, मिथ्या बुद्धि और सम्यक बुद्धि। तो अभी जो प्रकाश है वो सम्यक बुद्धि का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट समझते वो नहीं, इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट। और इसीलिए हमको पुरुषार्थ है, जब डायरेक्ट प्रकाश होता है तो पुरुषार्थ नहीं होता है। समझ में आए? क्या नहीं, मैं तो ऐसा कोई दावा नहीं करता।
इसलिए वो मेजर नहीं करते, समझ कैसे समझना है, केवल दर्शन संपूर्ण नहीं, आपको कैसा पता चल रहा है वो फाइनल है, केवल दर्शन संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसके बाद वो संपूर्ण है, वो यहाँ से आप ऐसा वो प्रतिष्ठित आत्मा और चार्जिंग हो रहा है महसूस कर सकते, कैसा महसूस करते हैं, कैसा अज्ञान नहीं होता है, अज्ञानता अज्ञान नहीं होता है, मतलब नो वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, आपको कैसा समझ में आया वो है हम यहाँ वहाँ पाया नहीं है, ऐसा कैसे समझ में आया, वो पाया नहीं है, वो बोलता है कि हमने पाया नहीं तो अनुभव कैसे होगा, इसीलिए अभी मैंने यही कहा है कि आपका आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मतलब होता है अज्ञान को नाश करना, क्या बताया वही मैंने इसको टाइटल बताया आध्यात्मिक पुरुषार्थ, कैसे नाश करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, आप समझिए जब अज्ञान निकल गया उसका मतलब के छह तत्व आपकी दृष्टि में संपूर्ण समझ में आ गया, और जब संपूर्ण समझ में आ गया अज्ञान निकल गया तो फिर आत्मा की अनुभूति के अलावा और कोई आपकी इच्छा नहीं है, समझ में आया, जहाँ तक अज्ञान का अंश भी व्यवहार तक जगत में ये करूँ वो करूँ ये समझूँ ये पाऊँ ऐसा रहेगा, मगर जब अज्ञान ही खत्म हो गया तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ में आपको वैराग्य रहेगा, क्या रहेगा, पाना और खोना वो आपका सब्जेक्ट नहीं, अभी खुद की अनुभूति वही आपका सब्जेक्ट रहेगा, ये आज्ञा पालन करते हैं, पहली आज्ञा रिलेटिव रियल में शुद्ध आत्मा देखो, रिलेटिव में वर्तमान से हम प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि दादा की आज्ञा पालन करें, सबको जिधर जिधर देखते हैं शुद्ध आत्मा देखते हैं, शुद्ध आत्मा देखते हैं, तो इसमें कोई कोई अंदर विचार भी आता है, अगर तो उस व्यक्ति का विचार आएगा तो उनको भी उनका शुद्ध आत्मा देखते हैं, तो बीच में जो सब अटैचमेंट रहता है तो उसका क्या है, किसी के ऊपर राग भी रहता है, किसी के ऊपर द्वेष भी रहता है, मैं इनको शुद्ध आत्मा देख रहा हूँ, इनका कोई राग द्वेष नहीं है मेरे साथ, लेकिन इनको देखता हूँ तो इनका बीच में अगर कुछ है ऐसा अनुभव तो होते रहता है, शुद्ध आत्मा देखता हूँ, शुद्ध आत्मा देखता हूँ, पेट को भी शुद्ध आत्मा देखता हूँ, ऐसे प्रयत्न करते हैं आज्ञा पालन करने, तो उस वक्त में विचारों के अंदर भी जो भी व्यक्ति आता है उनको भी हम शुद्ध आत्मा ही देखना है, लेकिन उनके अंदर जो हमारे प्रीति रहती है अंदर जो राग रहता है वो राग और द्वेष होता है वो तो निकलता हुआ है, निकलता हुआ इसमें जीवित भाग जुड़ जाता है तो चार्ज होता है, जीवित नहीं जुड़ जाता है तो डिस्चार्ज है, जीवित तो जुड़ गया, जीवित तो जुड़ते ही है, कैसे अब शुद्ध आत्मा देखते हैं तो हम प्रयत्न पूर्वक देखते हैं, बाद में सहज शुद्ध आत्मा दिखा जाता है, तो देखते देखते उनके साथ अटैचमेंट भी रहता है हमारे, तो वो तो जीवित है इसलिए तो देखते हैं ना, कहने का मतलब ये है कि देखने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के अंदर दो भाग हैं, एक भाग ऐसा है जो डिस्चार्ज भाग को ही देख सकता है और एक भाग ऐसा है जो चार्ज वाला है, जो चार्ज वाला भाग है अगर वो डिस्चार्ज में मिलजुल गए तो वो भी डिस्चार्ज वाला चार्ज हो गया, अगर अलग रहे तो चार्ज नहीं हुआ मगर बाहर की प्रक्रिया तो वही की वही रहेगी, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, दिखने में राग भी रहेगा द्वेष भी रहेगा गुस्सा भी रहेगा सब कुछ रहेगा मगर अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि क्या हो गया है अलग हो गया है, क्या हो गया समझ में आया नहीं, समझ में आया थोड़ा थोड़ा लगा है लगन, शुद्ध आत्मा देखते हैं दादा क्या क्या पालन करते हैं, शुद्ध आत्मा ही देखते हैं, और साथ में अपना भाव भी अंदर साथ में फिक्स रहता है,
फिर बाद में फिर चेतनता रहती है कि नहीं शुद्ध आत्मा ही देखना है, बाकी कोई नहीं देखना है, अच्छे बुरे भाव भी रहते हैं, तो ऐसे डिचार्ज हो रहे हैं। नहीं तो आपकी प्रैक्टिस का अभाव है, अभी तो प्रैक्टिस नहीं, अभी तो ये आपकी कमजोरी है, मगर फिर भी प्रयास करते वो अच्छी बात है, जितना हो सकता है प्रयास करना ही तो हमारा पुरुषार्थ है, तो प्रयास करते रहो, इसमें क्या है, कोई गलती नहीं। हमको जैसे गुरु महाराज ने ध्यान योग सिखाया था कि ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति का ध्यान करते हैं, अब दादा का हुक्म तो एक ही है कि सब सुधार न गुरु अधिकम तत्व, मतलब वो गुरु है, तो ऐसे ध्यान करते करते उसमें भी जाते हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ मिलता भी है। क्या चाहिए आपको? मेरे को तो उसमें वो क्लियर वैसे नहीं मिल रहा है। क्या किससे जुड़ता है? जुड़ता है मतलब कैसे कि किसी अनुराग से जुड़ता है। कौन जुड़ता है? कोई दूसरे व्यक्ति। हम दूसरे व्यक्ति के साथ है? दूसरे व्यक्ति मतलब शुद्ध आत्मा, हम शुद्ध आत्मा भाव करते हैं आप, लेकिन आपके आपके साथ में जैसे कि आपके ज्ञानी आपके पास आए तो ज्ञानी पुरुष है, सब देने वाले हैं, सब मतलब अंधकार मिटाने वाले हैं, ऐसे ऐसे भाव रहता है, लेकिन जब बिजनेस के अंदर बैठे रहते हैं कस्टमर आया रहता है तो उधर कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है ऐसा। नहीं, मेरा कहने का मतलब होता है कि आत्मा जुड़ता है, शरीर जुड़ता है, दृष्टि जुड़ता है, ये जुड़ता है, राधेश्वर जुड़ता है, हैं मैं जुड़ता हूँ ये, हाँ ये जुड़ता, तो इसको तो जला दिया जाएगा, फिर क्या फर्क होगा? तो ओके चार्ज हो रहा है मैं, ये तो मशीन है, भाव जुड़ते हैं, विचार जुड़ते हैं, दृष्टि जुड़ती है, मतलब मन जुड़ता है, फिर अपन मन जुड़ता है, जुड़ रहा है, वहां तो अज्ञानता है, वहां अज्ञानता है, अज्ञानता का मतलब होता है ज्ञान है मगर ज्ञान का उपयोग नहीं है, तो आप जिम्मेदार हो फिर उस समय के लिए। कैसे करूं? वही तो, ये विज्ञान समझ समझ के इसका उपयोग कर करके ही आप इसको क्लीन कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हमको सच्चाई तो समझनी पड़ेगी ना, भ्रांति कब तक चलेगी, भ्रांति कब तक चलेगी? भ्रांति जब तक मालूम नहीं है तब तक, तो इसीलिए तो कहते हैं कि ये भ्रांति निकालने के लिए तो विज्ञान है, इसको निकालने के लिए भ्रांति को निकालने के लिए ये काम आता है, बहुत अच्छा काम आता है, फिर भी अंदर उलझ जाते हैं, वो तो हो सकता है, इसमें क्या है, धीरे धीरे होगा ना, एकदम कैसे होगा, जल्दी होलसेल में नहीं निकालते। वो 5 साल का बच्चा भी ऐसा कहता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर का किताब दे दो, नहीं ये बाल मंदिर का क्यों दिया है, तो फिर क्या करूँगा, बोलते नहीं। देखो अभी आज थे 5 साल के बच्चे को डॉक्टर बनना है तो किताब कौन सी देनी चाहिए, बोलिए, अभी बोलते थे तो ऐसा मालूम हुआ कि हम 5 साल के हैं तो उसको एकदम फर्क नहीं होता है। मतलब कोई भी प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, मैच्योरिटी एकदम कैसे आएगी, चमत्कार थोड़ी है, उसके मुगरते ना, उससे मुगरते उसमें रिएक्शन होता है, इसलिए उसमें बार बार आपको ये विज्ञान समझ के उपयोग कर करोगे तभी आपकी दृष्टि में से अज्ञान खत्म होगा और आपका डेवलपमेंट और मैच्योरिटी अपग्रेड होगी, और यही रास्ता आगे जाने का है। आप कहोगे एकदम चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहते हो मेरे को 24 आवर्स रहना चाहिए, भावना अच्छी है मगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास अवेयरनेस ही नहीं है इतनी, आपके पास दुनिया में इतने सारे ऑप्शन है थ्रू 5 सेंसेस एंड योर बुद्धि, कि ये ऑप्शन में से बाहर निकलना है और अपने स्वभाव में रहना और दुनिया को कुदरती रचना के रूप में देखना, वो बात इतने सारे ऑप्शन में क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बस, तो धीरे धीरे सार निकलेगा, क्या निकलेगा,
समझ में आया। अभी कोई भी इंसान को कहेंगे एज अ कॉमन मैन कहे, उसको पूछेंगे कि तुमको पानी के बिना चलेगा, तो बोला नहीं चलेगा, खाना के बिना चलेगा नहीं चलेगा, कपड़े के बिना नहीं चलेगा, घर के बिना नहीं चलेगा, परिवार के बिना नहीं चलेगा, आप समझ रहे, लक्ष्मी के बिना नहीं चलेगा, संबंधों के बिना नहीं चलेगा, आत्मा के बिना चलेगा तो क्या चलेगा, क्योंकि वैल्यू नहीं है ना, सबके लिए नहीं चलेगा, आत्मा के बाद चलेगा, तो इसीलिए उसको मालूम नहीं है कि वैल्यू ऑफ सोल। समझ में आया? तो ज्ञानी क्या कहता है, सब कुछ के बिना चलेगा। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलेगा का मतलब होता है जो मिलता है इसको मांगने की जरूरत नहीं है, मगर जो मिलता है उसको मांगते हैं। पैदा होते ही माता पिता मिला, मैंने बोला मैंने पाया, नहीं समझा। पैदा होते भाई बहन बोला, फिर मैंने पाया, रहने का घर मिला, मैंने पाया, आपने क्या पाया वो तो बताओ, क्या पाया आपने? जो आप कहते हैं कि जन्म से मौत तक पूरे जीवन मैंने ये पाया ये पाया ये पाया, सब कुछ छोड़ के जाना है, शरीर भी छोड़ के जाना है, तो पाया क्या आपने? व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ बताइए। मगर जीते तो उसके लिए है, जीते उसके लिए है, थोड़ी जागृति है, ये नहीं शुद्धात्मा ही साथ है, उनके साथ ही रहना है। पाया तो ये पाया है ना, आपसे इतना बड़ा तो पाया नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इस दुनिया के अंदर कुछ प्राप्त करने का जो विलिंगली प्रयास करते हैं वो करेक्ट नहीं है। उदय कर्म के अधीन प्रयास होता रहेगा वो करेक्ट। अगर हम आत्मा की वैल्यू समझते हैं तो जागृति उसमें रहेगी या संसार में होनी चाहिए? तो बार बार भूल जाते हैं वो पाने के लिए, हालांकि वो तो तकदीर में है, वो तो मिलेगा, और नहीं मिलने वाला तो नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा और रहने वाला नहीं हो तो भी नहीं रहेगा, और अगर बचा भी है तो भी आप इसका उपयोग नहीं कर पाओगे। समझ में आया? आपने आपके उपयोग से ज्यादा प्राप्त किया है साधन संपत्ति, तो वो आपके काम में नहीं आएगी। आपके दिमाग में रहेगी कि मेरा 4 मकान है, 10 करोड़ रुपया है, दिमाग में रहेगा 100 एकड़ जमीन है, वो दिमाग में रहेगा, इसका कभी आप यूज नहीं कर सकते। समझ में आया? और नहीं कर सकते फिर भी क्या कहूंगा, ये मेरा है। और जब श्वास बंद हो जाएगा तो मिलकर संपत्ति सब ऐसा रहेगा, सिर्फ नाम ट्रांसफर हो जाएगा, बोलते नहीं क्या हो जाएगा, बोला कल तक तो बोलते थे मेरा था मेरा था, अभी नाम चेंज हो गए, बोला ऐसा है, पहले समझना चाहिए आपको आपका नहीं था, ये सब पे लगाया था कि मेरा है, आप समझे है नहीं। और इसीलिए मैंने क्या कहा, जो भुगतान किया वो मेरा, जो इकट्ठा किया वो दूसरे का, नहीं समझ में आया, जो भुगतान किया वही मेरा है, इकट्ठा किया वो मेरा, कभी भी जा सकता है, संभावना है, क्या बताए जाने की, पूरे पूरी संभावना है, कभी भी श्वास बंद हो सकता है, मगर जो यूज किया वो तो आपका ही है, क्योंकि वो यूज कर दिया, क्या बताए, आप समझ रहे। तो इसीलिए जीवन के अंदर कई लोग मेरे को पूछते कि स्वामी जी संसार में ऑन एन एवरेज सभी लोग दुखी क्यों लगते हैं, पढ़े हैं वो भी दुखी, अनपढ़ भी दुखी, जिनकी शादी नहीं वो भी दुखी, शादी वाला भी दुखी, जिनके बच्चे नहीं है वो भी दुखी, बच्चे हैं वो भी दुखी, पैसा नहीं है तो भी दुखी, पैसा बहुत है तो भी दुखी, आप समझे कि नहीं। तो सब लोग दुखी क्यों है? तो मैंने उसका उत्तर दिया, उसका सिंपल उत्तर ये है कि जो मिलता है वो पसंद नहीं है,
और जो पसंद होता है वो मिलता है। नहीं समझ में, तो पूरी लाइफ दुखी है। इसीलिए जो मिले इसको ही पसंद की बनाओ, तो दुखी होने का सवाल ही नहीं। फिर जो मिले उसी को पसंद की बनाओ, यही बराबर है। थोड़ा थोड़ा मान है, ऐसे ही करेंगे, बाकी थोड़ा अंदर कुत्ता है, कटिंग होता है तो होगा, धीरे धीरे शांत होगा ना। हाँ, बाकी तो दुनिया में बिलीफ के अलावा क्या है? बिलीफ समझते हैं ना, मान्यता। ये दुनिया में बिलीफ के अलावा क्या है? कुछ सच्चाई है? सिर्फ बिलीफ ही है ना, और सच्चाई कुछ है? कुछ नहीं है। आपकी बिलीफ चेंज हो गई तो वो नहीं है आपके लिए, बिलीफ है तो है। तो एक भाई साहब ने मेरे को प्रश्न पूछा, पढ़ा लिखा आदमी, बोला स्वामी जी ये दुनिया बिलीफ से चलती है तो बिलीफ का पावर कितना है? मैंने बोला 20 साल की उम्र में 7 फेरा फिरो और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, इसका नाम बिलीफ। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 7 फेरा फिरो और 70 ईयर्स की रिस्पॉन्स ले लो, इसे बिलीफ है कि नहीं? तो फिर 70 साल गया था। ज्ञान लेने के बाद में कितना पावरफुल हो गया, डेवलपमेंट पावरफुल क्या बड़ा। अज्ञान का कितने प्रकार? अज्ञान का प्रकार ज्यादा नहीं है, मगर अज्ञान की जो क्वांटिटी हमारे अंदर है वो बहुत ही है, क्वांटिटी बहुत है। बेसिक जो अज्ञान है, बेसिक फंडामेंटल, वो नंबर ऑफ नहीं है, मगर क्वांटिटी बहुत है। क्या है? हाँ, क्वालिटी के रूप में अज्ञान जो है वो सबसे बड़ा अज्ञान ये है। पहला अज्ञान, मैं शरीर हूं, इसको निकालना पड़ेगा, शरीर को नहीं बिलीफ को। फिर दूसरा, शरीर को मैं चलाने वाला हूँ, वो बिलीफ को मिटाना पड़ेगा। फिर तीसरा, शरीर से जो भुगतान होता है वो मेरे को होती है, ये अज्ञान निकालना पड़ेगा। समझे? तो ये अज्ञान का जो अज्ञानता की जड़ है वो इतने लपेटी हुई है, लिप्त हो चुकी है, कि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि मिलने के बावजूद भी वो एकदम से जाता है, दृष्टि में से नहीं जाता है, इतना पक्का लपेट दिया है। आप समझे? तो इतना आसान नहीं है, मगर हाँ, जागृति से सब कुछ हो सकता है। जागृति है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपको जागृति नहीं है तो वेरी डिफिकल्ट है, ये कोई क्रियाकांड नहीं है, ये दृष्टि है, विजन, आर्ट ऑफ विजन। शक्ति मांगो तो गलती नहीं है कोई, मगर शक्ति भी मांगो और उपयोग भी ज्यादा से ज्यादा करो, तभी जागृति बढ़ेगी। उपयोग नहीं करने से तो नहीं बढ़ेगा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना, जागृति तो सतत रखनी पड़ेगी। जैसे जैसे व्यवहार में जागृति कैसे रखते हैं, हर रोज सुबह से शाम तक ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा हस्बैंड है, क्या भूल जाते हैं? अगर एक घंटा भूल गए तो तो कहने का मतलब ये व्यवहार की बात है, ये व्यवहार की जागृति हमको पक्की हो चुकी है कई अवतारों से, यहाँ सिर्फ नाम बदलता है, मगर जागृति तो है हमारी, अभ्यास तो है हमारा पिछले अवतारों का।
तो वो इजी हो जाता है। अब ये ज्ञान की जागृति, विज्ञान की जागृति का अभ्यास नहीं है, क्या नहीं है? हो जाएगा, होगा धीरे 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 अभी हो ही रहा है, फिर भी छूट जाता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे पक्का करना है, फिर छूट जाएगा, आगे पक्का करना, यही प्रोसीजर है। डरने की जरूरत नहीं है, आप समझे ना, होता ही रहेगा। अनुभव तो सबको होता है, मगर मालूम ही नहीं है ना। क्या बताया कि इसको अनुभव कहते हैं, वही नहीं मालूम है। जब रात को सो जाते हैं और पूरी ड्रीम देखते हैं तो उनकी असर सुबह में होते नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है ये ड्रीम था। ऐसे पूरी लाइफ अगर ड्रीम समझ में आए तो भी उसके इफेक्ट नहीं होंगे, आखिर ड्रीम ही तो है, मगर हमको सच्चा लगता है। क्या लगता है? यही तो अज्ञानता है, और ज्ञानियों को वो ड्रीम लगता है, लाइफ ही ड्रीम लगती है। क्या लगती है? वो लाइफ इज अ ड्रीम, मैकेनिकल पार्ट क्या है। बिलीफ से अभी नहीं होता है, बिलीफ से निकल रहा है, उसमें अगर हमारी जागृति का भाग जुड़ गया तो वो बिलीफ लाइव हो गए, अगर जागृति का भाग नहीं जुड़ा तो वो डिस्चार्ज हो गया। इसीलिए कहा कि जो संजोग आपके सामने भी आया है, वो संजोग के अंदर हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए कि हे परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को इस प्रकार का संजोग नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये संजोग जो अभी निकल रहा है वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं, खत्म हो गया, तो हम साइन नहीं करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मगर डिस्चार्ज तो रहेगा और डिस्चार्ज की असर भी। नहीं, आपने अज्ञानता क्यों चेंज नहीं किया? ऐसा कैसे बोला आपने ज्ञान चेंज नहीं किया? आपको जब मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोग चाहिए, संसार के लिए लायक सहायक मांगा ही नहीं है, तो वही तो अज्ञानता है। संसार के लिए लायक सहायक ही तो अज्ञानता है। अगर कोई चीज आपको इंद्रियों को आनंद आता है वो मांगेंगे, वही तो अज्ञान है और वही तो संसार है। आपने मोक्ष मार्ग के लिए मांगा है, नाउ यू अंडरस्टैंड। तो ये अज्ञान निकालने की बात है, अज्ञान को बढ़ाने की बात नहीं। और स्वामी जी, कोई संजोग आए तब तो उस पर कोई राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, ऐसे वो भुगतान भी नहीं, वैसे मान लिए है तो हमारे शुद्ध वैसे क्या है, वो अनुभव ही है ना। वो अनुभव है, मगर वो अभी अनुभव आत्मा का नहीं है, आत्मा की जागृति का है। आप समझे, हर चीज में आप खुद थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अनुभव का मतलब क्या होता है। राइट नाउ इट इज टू बी कॉल्ड अवेयरनेस, इट इज नॉट टू बी कॉल्ड एक्चुअल एक्सपीरियंस। अगर बच्चा स्कूल पे गया है पढ़ने के लिए और एकदम याद आ गया, ओ क्या करता है, पढ़ रहा है, बैठा होगा, लिखता होगा, तो अभी आपकी अवेयरनेस के आधार से बच्चे की जागृति है। फिजिकली फॉर्म में वो नहीं है, मगर अटैचमेंट तो है ना, तो अटैचमेंट होने के नाते अनुभव भी वही कहेंगे, मगर प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, परोक्ष ही कहेंगे ना, क्योंकि आपका अटैचमेंट है ना। ऐसे अगर ये मन वचन काया के साथ अगर विज्ञान से आपका अटैचमेंट है तो वो आपका अनुभव रहेगा, अभी आत्मा का अनुभव नहीं होगा, मगर आत्मा का लक्ष्य तो है ना, दैट्स इट, वो अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है, एक्चुअल एक्सपीरियंस। स्वामी जी, ये दूसरे लाइन है, भक्ति करते हैं ना, जो बहुत सारे संत थे यहाँ, इसी संत बोलते हैं, वो उन लोगों की मानते थे भगवान को,
वो भक्ति करते थे, ऐसा विज्ञान का पता है या नहीं मुझे पता है, तो वो कैसे होता है? तो भक्ति तो कोई भी कर सकते हैं, मुझे क्या क्या गलती है? नहीं बोलो, जो लोग मानते हैं वो भी मोक्ष होते हैं भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं होता है। मानना एक अलग बात है, मानना तो मान सकते हैं, किसी को भी हम भगवान मान सकते हैं, शक्ति मान सकते हैं, मान सकते हैं। मानना और वास्तविकता दोनों में बहुत अंतर होता है। जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव। मगर एक सिंपल बात समझो कि भक्ति की व्याख्या आप क्या बोलते हैं, बताइए आपकी भाषा में। भक्ति की भगवान को मानना है, भगवान को पूजा करते हैं, भगवान का स्तुति करते हैं, पारायण करते हैं, और उसी को ये भक्ति शरीर करता है कि आत्मा करता है? शरीर के लिए शरीर से क्रिया करता है, मगर वो आत्मा करता है। क्यों आत्मा क्यों जोड़ता है? उसके भाव है ना, आत्माओं को चाहिए कुछ, चाहिए आत्मा चाहिए वही से भाव, आत्मा को कुछ चाहिए इसीलिए भाव करता है। क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? भक्ति करने से वो भगवान समझता है, वो भगवान से वो बहुत नजदीक होता है, और वो भी मोक्ष में चलता है, उसको पाव में चलता है, ऐसा कुछ डिफरेंस भगवान के लिए भक्ति करता है। वही तो लोग को समझ में नहीं आता है कि जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ था है, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कभी न होए, ऐसा अनुभव नहीं होता है। इससे चेतन नहीं प्रकट होता है और चेतन से जड़ भी प्रकट नहीं होता है। समझ में आया? ये कितनी भक्ति करेगा इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, अज्ञानता के कारण से होगा। क्रिया जड़ का स्वभाव है ये मानना पड़ेगा। क्या बताया? ये पंखा चलता है, ठीक है, हमको ठंडक होती है या तो गर्मी नहीं लगती है, बराबर है, तो इसको पुण्य बनेगा है? और कोई व्यक्ति आपको गर्मी में पानी पिलाएगा तो ये भी हेल्प करता है, वो भी हेल्प करता है, डिफरेंस क्या है? वो मशीन से हवा करती है, उसको कोई पुण्य मिलता नहीं, लेकिन कोई आदमी सेवा करता है तो कोई भाव साथ में हो, भाव साथ में। मैं करता तो मशीन है ना, आदि जाओ ये करता है, सब करता है, नहीं करता तो मशीन ही है ना, मशीन तो वो मशीन है, ये थोड़ी मशीन, ये मशीन नहीं, ये मशीन है, ये भाव के लिए, ये तो इच्छा से, ये मशीन नहीं है। मशीन को तो जला दिया जाता है, चेतन को जलाया नहीं जाता है। इसको भी बंगार में बेच सकते हैं, इसको तो बंगार में भी नहीं बेच सकते, नो रीसेल वैल्यू, इसकी तो रीसेल वैल्यू भी आएगी तो कीमत तो आनंद आता है, कीमत उसकी ज्यादा है कि उसकी है? सही नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न। नहीं नहीं वो नहीं, वो भक्ति ये शरीर सर, शरीर का नहीं, भक्ति शरीर करता है। तो कौन करेगा? नहीं करेगा, आत्मा करेगा, आत्मा की करता है, आत्मा की करता है शरीर। अब दादा का के ही से अब शुद्ध आत्मा देखते तो भक्ति। अब एक प्रश्न और भगवान साथ में, जब शुद्ध आत्मा अशुद्ध दादा ने चरण विधि में दिया है कि सभी को भगवत स्वरूप से दर्शन करते हैं, ये भगवत स्वरूप ही परमात्मा स्वरूप है, इसलिए मैं सभी को वंदन करता हूँ, तो सबको शुद्धात्मा देखते हैं तो सभी परमात्मा है, तो उनको अगर परमात्मा मानेंगे तो ये रिलेटिव तो धरा गया। तो शरीर को परमात्मा मानेंगे तो फिर वो पैसा मांगेंगे आपको, पैसा लाओ मैं परमात्मा हूँ, फिर क्या करोगे? अब दे दोगे? परमात्मा मांगते हैं फिर मतलब तुम्हारे पास जो है वो दे दो, मैं परमात्मा हूँ तो फिर आप दे दोगे? ले लो ना, परमात्मा मांगे तो तो 5 रुपये देते नहीं है। रिक्शा वाले बोलते हैं तो बहुत झगड़ा करते हैं 2-2 रुपये के लिए। ये दुनिया सब मान्यता है, इट्स बिलीफ, नथिंग फैक्ट।
कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई गरीब को 5 रुपया दिया तो खुश हो जाएगा, कोई BMW में से उतरा 5 रुपया दिया तो उसको अपमान लगेगा। पैसा तो पैसा है, सबकी बिलीफ है, इसका एक्सपीरियंस है। फैक्ट में सुख भी नहीं है, सिर्फ भ्रांति है। क्या सुख भी भ्रांति है, दुख भी भ्रांति है, आप समझे? ये जो सुख कुछ नहीं है, ये सब बिलीफ है आपके, आप समझे? और बिलीफ के आगे कोई जाता ही नहीं है, यही मान्यता में घूमता रहता है, यही मान्यता। सच्चाई ही नहीं मालूम है कि आखिर ये जो शरीर है वो कुदरत ने बनाया है, कुदरत ही चलाता है, कुदरत ही इसका अंग लाता है और इसके भुगतान के सब संजोग भी कुदरत लाता है। इसमें मेरा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, ये समझ में नहीं आता है हमें। इसको हर समय करेक्शन करना है, करेक्शन करना है, करेक्शन करना है। ये नहीं समझ में आता है कि तुम है नहीं तो फिर क्यों जबरदस्ती करते हो, नहीं समझ में आया। कई लोग कहते हैं कि मेरे को स्वामी जी अभी ये ज्ञान लिया, अभी शादी करना है कि नहीं करना है। बोला शादी आत्मा करता है कि शरीर करता है? तो बोला शरीर करता है। उनको शरीर का कंट्रोल कौन है? तो क्या कुदरत? तो तुमको क्यों सोचने की जरूरत है? जब कुदरत ने बनाया, कुदरत चलाता, तुम क्यों सोचते हो? नहीं समझ में आया, नहीं किया। जब कुदरत ही इसका संचालक है तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? और इसीलिए कहा कि इसीलिए हमको जब ये मन वचन काया क्रिया अपने आप करते रहेंगे, विचारों की कहो, जबान की कहो, कि एक्शन की कहो, करते रहेंगे, मगर हमारे पास जो सही विजन होगा तो ये मन वचन काया की क्रिया की इफेक्ट आपको होगी नहीं, कदम होगी। मगर ये आपके पास सही विजन नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा ऐसा क्यों सोचता हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम इसके मालिक हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? मगर मालिक बन जाता है, क्या बन जाता है, क्या बन जाता है? मालिक। मालिक फिर मजदूरी करो, क्या करो? वो मैं सबको पूछता हूँ, पूरा लाइफ में क्या पाना चाहते हो? 18-20 साल का बच्चा बच्ची होता है तो बोला क्या पाना चाहते हैं? बोला जिंदगी में अन्न प्राप्त करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? बोला कैसे प्राप्त करूँगी? फिर बताते ऐसा ऐसा करके हम प्राप्त करेंगे। फिर मैंने कहा ये तुम्हारे पिता ने ना, फादर मदर ने, सबने ऐसा ही किया, फिर भी उसको हैप्पीनेस नहीं है। तो ये जीवन, ये बाह्य जीवन सुख के लिए है, ये बाह्य जीवन सुख के लिए है, ये भुगतान के लिए है, और शरीर के पास लेबर के अलावा कुछ नहीं है। लेबर समझते हैं? छोटे होते तो माँ बाप की, भाई बहन की, फिर पति पत्नी की, फिर बच्चे की, फिर परिवार की, फिर पड़ोसी की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की, समाज की, सबकी मजदूरी करते हैं, बोला हम हैप्पीनेस मिलती है। लेबर है, मगर लेबर कंपल्सरी है, कर्मों की भुगतान की, इसमें आनंद का स्वभाव नहीं है, सिर्फ आप मानते हैं, समझे? अनुभूति कब होती है, हैप्पीनेस कब होती है? जब रिलेटिव सत्य की कोई भी अवस्था हमको टच नहीं करे, दैट इज टू बी कॉल्ड ए रियल हैप्पीनेस। सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमको अपने में ही संतुष्ट है, हम ही चेतन है, हम ही अविनाशी है, हम ही सर्वशक्तिमान है। फिर शरीर और शरीर के संजोग में डीप में जाने की क्या जरूरत है, है? बस हर बार इसको ही करेक्शन करो, इसको ही करेक्शन करो, इसको ही करेक्शन करो। मतलब क्या है? यू आर कंट्रोलर, क्यों टेंशन लेते हो? आप समझे कि नहीं? मगर सोच नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझना कोई आसान बात नहीं। ये मशीन है, मशीन, नेचर मेड मशीन, मैन मेड नहीं है, आप समझे? तो बात समझनी पड़ेगी। जहां तक वास्तविकता नहीं समझो जहां तक क्या होगा आपका? यही गलती हजारों अवतार से हम कर रहे हैं, यही गलती।
भगवान को मानने में गलती, पुरुषार्थ को समझने में गलती, खुद की शक्ति को समझने में गलती। क्या बताया? अगर मैं खुद अविनाशी हूँ, मैं खुद चेतन हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियाँ मेरे पास हैं, तो भीख और भय की जरूरत है? फिर भी क्यों होता है? अज्ञानता। तो अज्ञानता निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तो बार बार मेरा ये तो बात है, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अज्ञानता इनटू इन्वर्टेड कोमा रिलेटिव सत्य की बिलीफ को निकालना, इरेज करना पड़ेगा। और कुछ करने की मैं बात नहीं करता हूँ। बाकी सब जो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके लिए कंपलसरी है, इसमें ऑप्शन नहीं। ये सब बातें दृष्टि की है, किसकी है? मन वचन काय की क्रिया की नहीं। जैसी दृष्टि वैसी, तो बदलनी है दृष्टि, सृष्टि कोई बदल नहीं सकता है। समझ में आया? तो दुनिया ऐसी चलती है गोल गोल, नहीं मालूम होता है कि मेरे को क्या करना है। जब सुबह होता है तो शुरू होता है क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। और तुम क्या कर सकते हो? तो बोला कुछ नहीं। तो फिर सोते क्यों? नहीं, एक बार तो आपको लिंक लगानी पड़ेगी ना कि सोचने वाला, बोलने वाला, करने वाला से मैं मुक्त हूँ और ये सब्जेक्ट मेरा नहीं, कुदरत का है। इतना तो सेपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं? हर बार दिमाग सोता है, बोला मैं सोता हूँ। दिमाग सोता है, मैं सोता हूँ। देह क्रिया करता है, बोला मैं क्रिया करता हूँ। ये जवान बोलती है, बोला मैं बोलता हूँ। यही तो अज्ञानता पक्की हो रही है, इसको निकालनी पड़ेगी कि नहीं? यही दृष्टि हम पक्की कर रहे हैं। क्या बताया? यही तो मिथ्या दृष्टि है, यही तो अज्ञान दृष्टि है। मैं क्रिया की बात नहीं करता हूँ, दृष्टि की बात। तो कितने अवतारों से यही चलता है, कितने अवतारों से, और लोग पक्का करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? आप समझे? तो ज्ञानी क्या कहता है? विज्ञान समझ के ये रॉन्ग बिलीफ को धीरे धीरे खत्म कर दो फ्रॉम योर विजन। और इसीलिए मैंने इसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञ बताया। क्या बताया? आध्यात्मिक यज्ञ। आपकी जितनी भी बिलीफ है रिलेटिव सत्य की, वो स्वाहा कर दो। क्या कर दो? आपका नाम क्या है? रवि। रवि। कोई कहता है कि तुम्हारा नाम रवि है, अंदर से कहो स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है तुम उसका लड़का हो, आपको कहना स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहेगा तुम उसका हस्बैंड हो, अंदर से कहो स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहे कि रवि में अक्ल नहीं है, आपको स्वाहा मैं शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि जिस दुनिया जिसको कहती है वो रवि को कहती है, और मैं रवि नहीं हूँ तो ये बिलीफ मेरे को क्या काम की? तो क्या करो? रवि को नहीं करना है, बिलीप को करना है। बिलीप को स्वाहा करना है। तो बिलीप को स्वाहा कर दो, खत्म हो गई। शरीर रहेगा, शरीर को भुगतान रहेगी, मगर बिलीप नहीं रहेगी। तो दुनिया तो बिलीप, बिलीप ही तो अज्ञान है ना। जब स्वाहा करते हैं तो बिलीफ को निकालते हैं तो जैसा दुख जैसा लगता है, वो क्या होता है? मैं शरीर नहीं हूँ, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अंदर कुछ तैयार नहीं है ऐसे। वो मुंह है ना, मुंह है, मुंह के बस होता है ये करते एकदम से। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सरसाइज नहीं है। इन ऑल रिलीजन इट इज एक्सरसाइज, इन अ साइंस इट इज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट है, आपको पक्का होना है। यहाँ कोई एक्सरसाइज की बात नहीं। अनुभव करते रहो, करते रहो, करते रहो, वही आपका अनुभव परिपक्व होगा। समझ में आया? एक बार तो बहुत उपकार हुआ बेटा, पहले बहुत जगह जाते भी थे, जिस दिन से दादा का ज्ञान मिला है बाद में सब समझ में चालू हुए, और बाद में अभी कभी अच्छा भी जाते, कहीं बुरा भी जाते, तो अंदर वो ज्ञान कच्ची रहता है। बहुत अच्छा फिर भी जाते हैं कि भाई सही जाए।
ये सत्संग सुनते हैं? हमारा सत्संग सुनते हो? यूट्यूब में सुनता हूँ। सुनते हैं? हर रोज कितना सुनते हो? मैं सुनता हूँ जुम्मे जुम्मे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बस एक रॉन्ग बिलीफ को निकालना है और अज्ञान को निकाल, बस एक ही है और बहुत सारे क्रिया का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल, अभी प्रश्न कल करेंगे, कल यही टाइम। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और बार बार ऐसी गलतियाँ ना करूँ। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, जय सच्चिदान, जय सच्चिदान।